दोस्तों जब नासा एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दुनिया को देख रहे थे तब उनको दुनिया में मौजूद बेहद ही खूबसूरत जगहों के बारे में पता चला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखने से वो सारे प्लेसेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और स्कॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटकर उन सारी जगहों पर एक बार जरूर जाना चाहते थे। इन सारी बातों का उन्होंने एक इंटरव्यू में जिक्र किया, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वे किस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपनी 340 दिनों की लॉन्ग जर्नी को बिता पाए और जब वे अर्थ पर वापस लौटे तो उनको अपने शरीर पर कुछ बेहद ही चौंका देने वाली चीजों के बारे में पता चला जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे नासा एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडेंट भी रह चुके हैं। इनके पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 340 दिन और स्पेस में 520 दिन रहने का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चौथे सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले नासा के एस्ट्रोनॉट हैं। अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 241 एस्ट्रोनॉट अपनी जर्नी पूरी भी कर चुके हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तो दोस्तों स्पेस में हम इंसानों के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी चीज का नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इससे पहले सैटर्न वी रॉकेट लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट था स्पेस में। इस रॉकेट की लंबाई 363 फीट थी और ये 1,40,000 केजी वेट को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में कैरी कर सकता था। नासा ने सैटर्न वी को डिजाइन किया था इंसानों को चांद पर उतारने के लिए। इस रॉकेट ने 1967 से लेकर 1973 तक लगातार टेक ऑफ किया और हम इंसान चांद को टच कर पाए। तो दोस्तों स्कॉट केली एक साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने से 1.5 इंच लंबे हो चुके थे। इसका कारण था स्पेस में ग्रेविटी का ना होना, इसलिए उनकी रीढ़ की हड्डी पर कोई दबाव न पड़ने से वह कुछ इंचेस एक्सपेंड हो गई थी। पर जब वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस कजाकिस्तान में लैंड हुए तो ग्रेविटी के कारण उनकी लंबाई वापस से 1.5 इंच कम हो गई थी। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जमीन से 408 किलोमीटर की हाइट पर 7.6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। अगर हम इसकी स्पीड किलोमीटर पर हावर में देखें तो ये होगी 27,580 किलोमीटर पर हावर। स्कॉट केली ने एक साल तक 7.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ के चारों ओर ट्रेवलिंग की और यहाँ पर उन पर इफेक्ट पड़ा अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसके कारण वे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से 0.0 सेकंड यंगर हो गए थे। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में बताया था कि जब किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाती है तो टाइम उसके लिए धीमी गति से बीतेगा, यानी यहाँ पर वेलोसिटी के कारण टाइम स्लो होने लगता है। इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से वे 0.0 सेकंड यंगर हो गए हैं। नंबर टू, दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे एस्ट्रोनॉट 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ की ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी हाई स्पीड के कारण केवल 90 मिनट में अर्थ की ऑर्बिटिंग को पूरा कर लेता है और 24 घंटों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की 16 बार परिक्रमा कर लेता है। जब स्कॉट केली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे तो वे हर रोज सूरज को 16 बार उगते हुए देखते थे और 16 बार डूबते हुए देखते थे। अर्थ पर हम लोग एक दिन में सूरज को केवल एक बार उगते और एक बार डूबते हुए देखते हैं और साल में हम 365 बार ही सूरज को ऐसा करते देखते हैं। पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रेवल करते एस्ट्रोनॉट एक साल में 5,000 से ज्यादा बार सनराइज और सनसेट को देख पाते हैं। नंबर थ्री, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हर रोज दुनिया में हजारों लीटर पानी ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाता है, पर जब बात आती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तो वहाँ पर पानी की एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होती है और साथ में महंगी भी। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट के पेशाब और पसीने से भी पानी को रिसाइकल करके पीने योग्य बना लिया जाता है। और जब बात आती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहाने की, एक काम बहुत ही ज्यादा महंगा और एक हार्ड काम होता है। दोस्तों हार्ड इसलिए क्योंकि जब आप स्पेस में पानी को अपने शरीर पर छोड़ोगे तो बिना किसी ग्रेविटी के पानी वहीं पर लटकता रह जाएगा और जब आपने ऐसा कई बार किया तो सारा पानी आपके चारों ओर फ्लोट करने लगेगा, जिसे सांस लेते टाइम पानी आपकी विंड पाइप में जा सकता है और स्पेस स्टेशन में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। इसलिए स्कॉट केली कहते हैं कि वो अपनी 340 दिनों की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी में एक बार भी नहीं नहाए हैं और ऐसा करने की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन परमिशन भी नहीं देता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट अपने शरीर को साफ रखने के लिए लिक्विड सोप का यूज करते हैं जिससे वे अपनी बॉडी को पोंछ लेते हैं। फोर्थ,
दोस्तों आज सारी दुनिया के लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और वैसे भी अर्थ पर हमारे पास मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंटरनेट का यूज कर पाते होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर स्कॉट केली ने कहा कि जब वे चाहते थे तब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते थे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फोटोज अपलोड भी कर देते थे, जैसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर। और वे अपने ज्यादातर फ्री टाइम में इंटरनेट पर लाइव टीवी शो देखते थे। इंटरनेट की मदद से वो अपनी रिलेटिव से भी बात कर लेते थे और इसके अलावा बहुत सारी चीजें उन्होंने इंटरनेट की हेल्प से की। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे एस्ट्रोनॉट इंटरनेट को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। नंबर 5, दोस्तों हमारी दुनिया काफी ज्यादा खूबसूरत है। हमें इसका एहसास तभी होता है जब हम दुनिया की अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे एस्ट्रोनॉट दुनिया की खूबसूरती को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वे हर 90 मिनट बाद पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। तो जब स्कॉट ने पहली बार दुनिया की खूबसूरती को करीब से देखा तो ये बात उनके दिल में घर कर गई और वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटने के बाद उन जगहों पर एक बार जरूर जाना चाहते थे। नंबर 6, दोस्तों हम इंसान अपनी समझदार अकल की वजह से फूड चेन में सबसे ऊपर खड़े हैं। हमने धरती पर मौजूद हर एक प्राणी को अपना गुलाम बनाया है और हमने इनको अपने फायदे के अनुसार इस्तेमाल भी किया है और विज्ञान की मदद से हमने अपने कामों की रफ्तार और तेज कर दी है, जिसे हम आज हर एक चीज में काफी ज्यादा एडवांस बन गए हैं। पर दोस्तों एक कड़वी सच्चाई तो ये भी है कि आज हमने अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार ली है, जिसका खामियाजा हमारे फ्यूचर की जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल में हर रोज इजाफा हो रहा है। एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक के कारण वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और रेडियो वेव पोल्यूशन, इन सारी चीजों ने मिलकर आज हमारे पर्यावरण को जहरीला बना दिया है। इस बढ़ते पोल्यूशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से साफ साफ देखा जा सकता है, जिसके बारे में स्कॉट केली ने अपने इंटरव्यू में बताया। नंबर 7, तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्कॉट केली के बारे में। दोस्तों स्कॉट केली अब तक स्पेस में 520 दिन रह चुके हैं, जो नासा के दूसरे एस्ट्रोनॉट से काफी ज्यादा हैं। दुनिया में अब तक 879 दिन स्पेस में रहने का रिकॉर्ड है, जिसको बनाया था रशिया के एक कॉस्मोनॉट गनेडी ने। पर स्कॉट केली के पास लगातार 438 कंसेक्यूटिव डेज बिताने का रिकॉर्ड है, जिसको अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।